नमस्कार, बड़ी खबर के साथ मैं हूं दीपक कुमार। बीजेपी ने राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर रामबाण छोड़ा है। बिहार के राज्यपाल रहे रामनाथ कोविंद को एनडीए ने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। एनडीए की इस घोषणा के बाद राजनीतिक हलकों में नई बहस शुरू हो गई। एनडीए ने दलित कार्ड खेलकर सबके साथ के अपने दावे को मजबूत किया। वहीं विपक्ष के सामने अब अपना उम्मीदवार उतारने की चुनौती होगी। भले ही कोविंद दलित वर्ग से आते हों, लेकिन झारखंड के विपक्ष को एनडीए के रामनाथ रास नहीं आ रहे, इसलिए अब वो भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करने के लिए रवाना होंगे। बड़ी खबर में इसी पर बात करेंगे। राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव को लेकर एनडीए ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इसके साथ ही कई नामों को लेकर हो रही चर्चा भी बंद हो गई। वहीं झारखंड में विपक्ष अब बीजेपी पर जातिगत राजनीति करने का आरोप लगा रही है और अपना उम्मीदवार उतारने की बात कर रहा है। देश का सबसे प्रतिष्ठित पद राष्ट्रपति का होता है और अब इसी पद के लिए चुनाव होना है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी है। चर्चाएं काफी समय से चल रही है, खासकर बीजेपी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की और बिहार के गवर्नर रह चुके रामनाथ कोविंद का नाम सामने आने के बाद अब इस शोर पर भी विराम लग गया। रामनाथ कोविंद के नाम की घोषणा के बाद बीजेपी नेता काफी उत्साहित हैं और इसे बीजेपी के सामाजिक समरसता का परिचायक बता रहे हैं। सबसे पहले गोविंद जी के नॉमिनेशन का स्वागत करती है और अपने शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देती है। भारतीय जनता पार्टी का ये शुरू से सिद्धांत रहा है कि समाज के सभी वर्गों को जोड़कर चलें, समाज का कोई वर्ग पिछड़ा नहीं रहे, और गोविंद जी की नियुक्ति एक बेहतरीन उदाहरण है कि हम समाज के सभी वर्गों को जोड़कर रखते हैं और देश के सर्वोच्च पद पर भी हम बैठाने का जज्बा रखते हैं। बीजेपी की इस घोषणा के बाद झारखंड का विपक्ष सक्रिय हो गया है। इस बाबत जेएमएम कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ जल्द बैठक करने की बात कह रहा है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर जातिगत राजनीति करने का आरोप लगाया। कुल अभी तक जो डेवलपमेंट चल रहा है और ये दिल्ली में फैसला होना है, लेकिन अभी तक जो डेवलपमेंट है और जो जानकारी मुझे है, उसमें यूपीए की बैठक लगातार हुई है 2-3 बार और 21 या 22 तारीख को एक बैठक है जिसमें आम राय बना लिया जाएगा और मुझे लगता है यूपीए फोल्डर से भी एक उम्मीदवार आएगा, बेहतर उम्मीदवार आएगा और सब कुछ ठीक रहा तो जीतेंगे भी यूपीए के जो कैंडिडेट होंगे। पहली बार ऐसा हुआ है कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोगों ने इसको दलगत राजनीति के रूप में सामने लेकर के आए। परंपरा रही है आजाद हिंदुस्तान की कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चयन में एक साझा उम्मीदवार तय रहा है और किसी की भी सरकार रही हो वो सबसे बात करके ही उम्मीदवार तय करती रही है, यही परंपरा रही। नंबर दूसरा ये है कि राष्ट्रपति के चुनाव में उसको जाति के रूप में प्रस्तुत करना, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की जो ये राजनीति है वो बिल्कुल ही गलत मानसिकता का परिचायक है। रामनाथ कोविंद अनुसूचित जाति से आते हैं, ऐसे में उनको राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने एक तीर से कई शिकार किए हैं। दलित कार्ड खेलते हुए दलितों को ये संदेश दिया है कि पार्टी सभी के लिए सोचती है। वहीं विपक्ष के ऊपर भी दबाव बनाया है। अब देखना यह है कि विपक्ष सरकार के इस रामबाण का जवाब कैसे देती है। रांची से न्यूज इंडिया के लिए सुजीत कुमार की रिपोर्ट। हमारे संवाददाता सुजीत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुजीत, राम गोविंद का नाम सामने आने के बाद अब जो चर्चाएं चल रही थी वो तो खत्म हो गई, पर अब विपक्षी खेमे में हलचल तेज हो गई है। जी दीपक, देखिए बिल्कुल जिस तरह से बीजेपी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा की है रामनाथ कोविंद के नाम को लेकर, तो ये कयास जरूर लगाया जा रहा था। और बीजेपी ने इस घोषणा के बाद भी ये कहा कि जो कोविंद है वो दलित समाज से आते हैं, तो कहीं ना कहीं इसके नाम से घोषणा के बाद जो बीजेपी के जो तमाम नेता है वो तारीफ कर रहे थे केंद्रीय नेतृत्व का। लेकिन झारखंड की परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो जेएमएम और कांग्रेस ने कहीं ना कहीं इनके उम्मीदवार पर सवाल उठाया है और जेएमएम के नेता ने साफ तौर पे कहा है कि ये एनडीए के उम्मीदवार नहीं है बल्कि ये बीजेपी के उम्मीदवार है। और कहीं ना कहीं एनडीए में जो कई दल है उनकी भी नाराजगी है, जिस तरह से खासकर
शिवसेना के तरफ से बयान दिया है कि रबर स्टंप राष्ट्रपति नहीं चाहिए, तो इसके बाद भी विपक्ष को एक मौका मिल गया है बीजेपी पर निशाना साधने को लेकर। और जेएमएम के नेता हो, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि दिल्ली में सोनिया गांधी की अध्यक्षता में बैठक होगी और बैठक के बाद निर्णय लिया जाएगा। और जेएमएम की तरफ से ये भी बातें सामने आई है कि विपक्ष भी अपना उम्मीदवार उतारेगा। वहीं अगर कांग्रेस की बात कहें तो कांग्रेस के भी जो नेता है उन्होंने बीजेपी पर जातिगत राजनीति करने का आरोप लगाया है। तो दीपक देखिए, कुल मिला के उम्मीदवार की घोषणा के बाद विपक्ष भी एकजुट हो रही है और ये बैठक के बाद ही विपक्ष तय करेगा कि उनका मैदान में उम्मीदवार उतरेगा या नहीं उतरेगा। जी दीपक सुजीत, लेकिन कुछ नाम तो जरूर चर्चा में होंगे। जी बिल्कुल, देखिए विपक्ष के देखिए जब बीजेपी नाम को लेकर जो इससे पहले जो बैठक कर रही थी तो कई नामों को लेकर चर्चा हो रही थी, लेकिन विपक्षी दलों की तरफ से अभी तक नाम के जो जो जानकारी है वो कहीं ना कहीं बाहर नहीं आ पाई है। और अगर बीजेपी अपना अगर विपक्ष कहीं वो नामों को अभी घोषणा नहीं करना चाहता है क्योंकि नाम जब सामने आएंगे तो कई तरह की चर्चा होगी और कहीं ना कहीं सरकार भी उसमें बोलने का मौका मिल जाएगा। तो जी घोषणा हो सकती है। जी दीपक जी सुजीत, किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आज खासकर जब झारखंड की परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो तमाम ऐसे विपक्ष के जो नेता है उनके बात है, जब जेबीएम की यहाँ बात कर ले जाए, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, कांग्रेस है या अन्य जो विपक्ष के दल हैं, तो कहीं ना कहीं वो इससे पहले उम्मीदवार की जब तक ने बीजेपी घोषणा नहीं की थी तो वो वेट एंड वॉच की स्थिति में थे कि वो इस बात के लिए इंतजार में थे कि बीजेपी अपने उम्मीदवार की यह घोषणा करती है तब वो एक रणनीति बनाएंगे। हालांकि बीजेपी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है और उसके बाद से विपक्ष कहीं ना कहीं उनके उम्मीदवार को लेकर और या बीजेपी का जो स्टैंड रहा है, खासकर एक दलित समाज के नेता को जिस तरह से सामने लाया गया है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष जातिगत राजनीति करने का बीजेपी पर आरोप लगा रहा है और जिसको लेकर वो नाराजगी भी जाहिर कर रहा है। अगर वहीं पर अगर बात किया जाए तो झारखंड की परिप्रेक्ष्य में तो बीजेपी की सहयोगी पार्टी है आजसू, तो आजसू के भी जो नेता है उमाकांत रजक, उन्होंने भी पिछले दिनों ये एक मांग किया था कि जो झारखंड के राजपाल है द्रौपदी मुर्मू है वो आदिवासी समाज से आती है, तो उनका भी कहना था कि अगर आदिवासी समाज को जी दीपक जी सुजीत हम आते हैं आपके पास, इन तमाम कयासों पर अब एनडीए खेमे की ओर से विराम लग गया है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता दीनदयाल बर्णवाल जी जुड़ चुके हैं। दीनदयाल जी स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी दीनदयाल जी, एनडीए का राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित हो चुका है, किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? देखिए मैं तो यही मानता हूं कि एक साधारण व्यक्ति असाधारण व्यक्तित्व के मालिक जिन्होंने अपना पूरा जीवन एक साधारण जिंदगी की तरह जिया, जिन्होंने देश और समाज को एक सही दिशा देने का प्रयास किया, जिनके प्रयास से दलितों और पिछड़ों को एक नई दिशा मिली, उन्होंने अपने गर्व को बचा कर रखा, और ऐसे व्यक्तित्व के मालिक साधारण व्यक्तित्व के मालिक को असाधारण व्यक्तित्व के तरह को समझते हुए अगर हमारा नेतृत्व में अगर एक निर्णय लिया है तो यह इस लोकतंत्र के लिए इससे और खूबसूरत क्षण नहीं हो सकता है, इससे बेहतर क्षण नहीं हो सकता है कि एक साधारण व्यक्तित्व के धनी असाधारण व्यक्तित्व के मालिक जिन्होंने सिविल सेवा जैसी परीक्षा निकाली, जिन्होंने लंबे समय तक दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सेवा की, बिल्कुल एक अच्छा खासा प्रोफाइल है इनका। लेकिन जेएमएम के प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए मनोज पांडे जी, उनसे जानते हैं कि वो एनडीए के इस राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए जो नाम की घोषणा की गई है किस तरह से उसे देखते हैं। मनोज जी देखिए इन्हें ये कैंडिडेट जो घोषणा हुआ है उसे एनडीए का कैंडिडेट कहना मेरे ख्याल से गलत होगा, वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है और एनडीए के जितने भी धड़े हैं मुझे लगता है करीब 26-27 पार्टियों को मिलाकर एनडीए का गठन हुआ था, किसी को भी विश्वास में लेने का काम नहीं किया गया है। जो तानाशाही रवैया सरकार चलाने में दिखता है माननीय प्रधानमंत्री जी का
वही तनातनी रवैया इनका एनडीए को चलाने में भी है। शिवसेना ने तो विरोध भी कर दिया, तो ये कितने अपने कुनबे को एकजुट रख पाएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है जी मनोज जी? हाँ, आपको क्या लगता है, आप इस उम्मीदवार को जो बीजेपी का उम्मीदवार आप बता रहे हैं किस तरह से आंकते हैं, कितनी संभावनाएं देख रहे हैं? ऐसी बात नहीं है, इसके पहले भी के आर नारायणन जो है वो राष्ट्रपति बने हैं। आप दूसरे संदर्भ में आप देखें तो लोकसभा की अध्यक्षा पहली जो है वो मीरा कुमार जी बनी है। ये बड़बोलेपन है भारतीय जनता पार्टी के, नंबर वन। नंबर दूसरा ये है कि भारतीय राजनीति की स्वस्थ परंपरा रही है कि राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में विपक्ष को भी भरोसे में लिया जाता रहा है, उनसे बात की जाती रही है। ये पहला मौका है जब भारतीय जनता पार्टी ने जो है विपक्ष के लोगों से बात नहीं किया, तो ये जो परंपराएं हैं ये टूटती हैं। और इसके पहले प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बने, उसके पहले मौलाना अब्दुल जी राष्ट्रपति बने, तो ये जो चीजें ये कह रहे हैं तो आप उनकी योग्यता और प्रतिभा को सामने रख करके सामने लाइए ना, आप उसको आपको उस रूप में क्यों आप पेश करना चाहते हैं कि वो एक जात धर्म के हैं, एक दलित है। मुझे लगता है ये ओछी राजनीति का मानसिकता है जी। और राष्ट्रपति जैसे चुनाव में इस तरह की मानसिकता से बाहर निकल करके जो है लोगों को बात करनी चाहिए जी। आलोक दुबे जी, लेकिन मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी, ये क्या हुआ था? ये तो शीर्ष नेतृत्व ही जाने दोनों दलों का, लेकिन क्या आम सहमति बनाने का मतलब ये तो नहीं कह रहे हैं कि दबाव बना लिया जाए? नहीं नहीं, आम कोई दबाव नहीं है। हम मुझे तो ये लग रहा है कि ये जो पिछली घटनाएं हुई है देश के अंदर में उससे जो है अपने आप को बाहर निकालने के लिए ये बातें कर रहे हैं। कोई दबाव नहीं हमारा, आपने निर्णय किया है आप निर्णय करें, लेकिन जो व्यवस्थाएं रही हैं उसकी बात हम कर रहा हूँ, जो परंपराएं रही हैं, जो भारतीय लोकतंत्र की जो पौधशाला रही है उसकी मैं आपके आपको मैं बात कर रहा हूँ। आप निर्णय करें, निर्णय करने के लिए स्वतंत्र है, इन्होंने निर्णय किया है, लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से देश में जो दौर चला है मुझे लगता है कहीं उसके ऊपर भी जो है ये भारतीय जनता पार्टी का पर्दा ढकने का प्रयास है, और उसी को सामने रख करके बार बार ये शब्द का इस्तेमाल करना, ये अमुक जाति से है, ये दलित है, इसलिए इनको जो है तुक्का मार दिया। बिल्कुल, इस पर दीनदयाल जी की प्रतिक्रिया जरूर लेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ जेडीयू प्रदेश प्रवक्ता जलेश्वर महतो जी भी जुड़े हुए हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जलेश्वर जी, एनडीए या फिर जिस तरह से अन्य हमारे साथ जुड़े मेहमान कर रहे हैं मनोज पांडे जी और आलोक दुबे जी की एनडीए ना कहें, सभी घटक दल एकजुट नहीं है, बीजेपी के राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, क्या है, राष्ट्रपति का पद ये संवैधानिक पद है, गरिमामयी पद है जी। और ये परंपरा रहा है कि आम सहमति से ही लोग प्रयास करते हैं, लेकिन बीजेपी जिस ढंग से मान लीजिए अनाउंस कर दिया कैंडिडेट का नाम बगैर आम सहमति का, तो इससे तो विपक्ष मान लीजिए बैठना शुरू कर दिया है, बातचीत करना शुरू कर दिया है। अब देखिए, ये तो मामला बहुत हाई लेवल का है, उच्च स्तर में लोग बात कर रहे हैं, बिल्कुल निर्णय आ जाने के बाद ही इस पर स्पष्ट बता पाएंगे। फिलहाल अभी विपक्ष के लोग भी इस पर चर्चा कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं आपस में। बिल्कुल, गंभीर आरोप लग रहे हैं। दीनदयाल जी की एक प्रतिक्रिया जरूर लेना चाहेंगे। दीनदयाल जी, आलोक जी आरोप लगा रहे हैं, मनोज पांडे जी भी अपने आरोपों के साथ मौजूद ही हैं, बीजेपी की जो छवि खराब हुई है हाल में, जो देश में जो माहौल बना है उस छवि को दुरुस्त करने की ये कवायद है बीजेपी की, इसलिए ना योग्यता देखी गई, ना आम सहमति पर विचार किया गया, बस एक कैंडिडेट सामने चुनकर ला दिया गया। नहीं, सबसे पहले तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, आलोक दुबे जी को जी, कि क्या उनकी योग्यता पर कोई सवाल उठाई जा सकती है क्या, या कैसे उठाई जा सकती है उनके योग्यता पे सवाल, जिन्होंने सिविल सर्विसेज की परीक्षा निकाली, जो सिविल दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कई वर्षों तक जिनका अनुभव रहा, जो दो दो बार राज्यसभा के सांसद रहे, पूर्व प्रधानमंत्री मुरारजी देसाई के साथ जिनको काम करने का अनुभव रहा, और आज ही जलेश्वर जी जो भी बोले, आज ही उनके नेता, कल ही उनके नेता श्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि एक असाधारण व्यक्तित्व को राष्ट्रपति बनाया गया, उनको बधाई। ये ऐसे शब्द से इनके नेता अलंकृत कर रहे हैं, और आज विपक्ष इस तरह की बातें कर रही है, वो भी राष्ट्रपति चुनाव है।
मुझे नहीं लगता है कि हत्या हुई है। और मैं जो समझता हूँ, नहीं नहीं आलोक जी सिर्फ आपकी बात नहीं है, और लोग भी। राष्ट्रपति का चुनाव बहुत ही गरिमामयी है और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हमारा हमारे पक्ष में सारा वोटिंग का राजनीति है, लेकिन हम चाहेंगे कि सभी विपक्ष हमको साथ दे और पूरे बहुमत के साथ, पूरे सब लोगों के सहमति के साथ ये हमारे राष्ट्रपति। दीनदयाल जी, आपने योग्यता पर तो अच्छा खासा बोल दिया, लेकिन उस आरोप पर बिल्कुल नहीं बोले आपने जो कहा जा रहा है कि जो सामाजिक सौहार्द बिगाड़ा गया है, जो परिस्थितियां बीजेपी के विरोध में जा रही है, जो माहौल बन रहा है, उसे अपने फेवर में करने के लिए ये कैंडिडेट सामने लाया गया है। कौन सी ऐसी परिस्थितियां बन रही है भैया? यह तो उनका कहना अगर है तो ये बिल्कुल गलत है। कौन सी ऐसी परिस्थितियां बन रही है? यूपी का चुनाव हुआ, सबसे ज्यादा मतों से आगे लेकर हम देश राज्य में बिल्कुल दलित विरोधी जो छवि बनाई जा रही है बीजेपी की, विभिन्न इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की जो छवि, जो आरोप मढ़े जा रहे हैं, उन सबसे बचने की ये कोशिश। दीपक जी बिल्कुल नहीं, और हम इतना ही कहना चाहते हैं कि चूंकि सर्वोच्च पद का चुनाव है, इसको इस तरह का वातावरण न बनाया जाए, चूंकि यह देश का सम्मान और मान की बात है। बिल्कुल मनोज जी, क्या लगता है मान सम्मान का ख्याल क्या बीजेपी ने रखा है जो दूसरों से इस पर विचार करने की बात कह रहे हैं? किसके मान सम्मान की ये लोग बात करते हैं? किसके मान सम्मान? इस देश में किसी का मान सम्मान बचा है क्या? चाहे वो अल्पसंख्यकों की बात हो, चाहे दलितों की बात हो, महिलाओं की बात हो, जो चीज की जो बर्ताव ये सरकार यहाँ के नागरिकों के साथ कर रही है, चंद पूंजीपतियों के हाथों की कठपुतली बनी हुई है सरकार, इस तरह की बातें करती है, शोभा नहीं देता। जहां तक योग्यता की बात है तो क्या पूरे देश में सबसे योग्य व्यक्ति यही है? ये आरएसएस के एक कार्यकर्ता है, माननीय हमारे जो राज्यपाल महोदय, जिनका नाम अभी आया है प्रकाश में, और किसी भी घटक दल को विश्वास में लेने का काम इन लोगों ने नहीं किया है। अगर थोड़ी भी नैतिकता बची है और घटक दलों में, तो अभी तुरंत सभी लोगों को बैठक करके इसका विरोध करना चाहिए। और ये तानाशाही रवैया जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिखलाया, अमित शाह जी ने दिखलाया, उसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। अगर किसी में कुब्बक है, अपनी नैतिकता है, अपना जमीर है, अपनी ताकत है, तो एनडीए से बाहर हो जाना चाहिए। जी आलोक जी, परंपरा रही है सरकार की ओर से एक व्यक्ति का नाम चुना जाता है, लेकिन अब उस परंपरा पर बस ये आरोप लग रहा है कि आम सहमति नहीं बनाई गई, तो फिर इसमें सरकार पर दोष क्यों? अगर आप सहमत नहीं है सरकार के फैसले से, तो सरकार को क्यों दोष दें हम? आलोक जी, घटना का दबाव इनके निर्णय में दिख रहा है, नंबर वन। नंबर दूसरा, उनकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह हमने खड़ा नहीं किया, नहीं, नहीं। उनकी योग्यता पर प्रश्न खुद खड़ा कर रहे हैं। ये बार बार जिस चीज को सामने लेकर के आ रहे हैं, वही मैं कह रहा हूं, आप नाम पहले बता देते तो ये स्थिति पैदा नहीं होती, लोग विपक्ष इसको स्वीकार कर लेते। और जहां तक बात है मान और लोगों के, ये मुख्यमंत्री बनने के बाद जिसकी चर्चा अभी कर रहे थे माननीय भारतीय जनता पार्टी के नेता, मुख्यमंत्री के बनने के बाद माननीय आदित्यनाथ जी ने कहा, यदि स्त्री को खुला व अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो वह व्यर्थ व विनाशक भी हो सकता है। वैसे ही स्त्री रूप शक्ति को भी स्वतंत्रता की नहीं उपयोगी रूप में संरक्षण और चैनलाइज किया सकता है। यदि महिलाओं में पुरुषों के गुण आ जाते हैं तो वो राक्षस बन जाते हैं। ये बयान है माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का मुख्यमंत्री के बनने के बाद, नंबर वन। नंबर तीसरा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये पहला भी की बातें मीडिया में ना लाना प्लीज। ये पहली घटना होगी जब राष्ट्रपति के सर्वसम्मति के चुनाव के निर्णय में हम डिबेट कर रहे हैं, वरना ये डिबेट की भी स्थिति नहीं होती थी। अगर ये नाम पहले बता देते विपक्ष के अंदर में तो ये स्थिति नहीं होती, सहर्ष स्वीकार हो गया होता। आप परंपरा, आपके आपकी आप इस पर राजनीति कर रहे थे, आपको सहारनपुर और गुना का पाप धोने के लिए उस दबाव में आपको निर्णय दिख रहा था, ऐसा हमारा बिल्कुल पूरी तौर पर मानना है। वरना जो है आप ये बताने की स्थिति में क्यों नहीं है कि आप पहले ये नाम दे देते? और हमने योग्यता पर कभी प्रश्न नहीं खड़ा किया, कभी भी देश ने प्रश्न नहीं खड़ा किया। इसके पहले भी के आर नारायणन भी जो है वो राष्ट्रपति बन चुके हैं इस देश के अंदर में, और दूसरे भी धर्म और समाज के लोगों ने जो है सुशोभित किया है। जी जी
बिल्कुल, जलेश्वर जी की एक प्रतिक्रिया लेना जरूर चाहेंगे। जलेश्वर जी, हालांकि आप कह चुके हैं कि ये अब पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो आपसी सहमति को लेकर बातचीत करके तय करेगा कि करना क्या है, लेकिन ये जरूर जानना चाहेंगे क्या संशय की स्थिति बनी हुई है जेडीयू और उनके सहयोगी जो बिहार में हैं आरजेडी के साथ, क्योंकि वो हमेशा दलितों का विरोधी होने का आरोप लगाते रहे हैं बीजेपी पर और मनुवादी कहते आए हैं इस पार्टी को, तो ऐसे में क्या अब संशय की स्थिति में हैं दोनों सहयोगी? मेरी संशय की स्थिति नहीं है, मैं बार बार कर रहा हूँ परंपरा रहा है और राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो सर्वसम्मत से ये प्रयास लोग करते हैं और चुनाव के पूर्व लोग ये कोशिश करते हैं सबों से बात करने का। मैं इतना ही कहा कि लोग बगैर बातचीत किए विपक्ष को बगैर आपको विश्वास में लिए और अनाउंस किए हैं, इतना ही बात है सिर्फ। वो उनको चाहिए था कि विपक्ष को भी और विपक्ष के लोगों से भी आम सहमति करनी चाहिए थी, ये परंपरा रहा है और ये परंपरा देश के लिए बहुत अच्छा परंपरा रहा है। तो ये नहीं किया बीजेपी के लोगों ने एक तरह से अपने तरफ से, और जहां तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का सवाल है तो ये उनका उदार हृदय का है जी। और बिल्कुल वो स्पष्ट कर चुके हैं कि मुख्यमंत्री होने के नाते हमारे राज्य के राज्यपाल का नाम प्रस्तावित किया गया है तो उन्हें बधाई देने शुभकामना देने गए हैं, लेकिन सहमति पर बाद में बैठकर बातचीत करेंगे उसके बाद स्पष्ट करेंगे। लेकिन क्या ऊहापोह की स्थिति में नहीं है जेडीयू या आरजेडी? नहीं, ऊहापोह का सवाल कहां उठ रहा है? अब आपने नीतीश जी की बात को रख दिया, मुझे रखने का अवसर और जरूरत ही नहीं है जी। और एक मुख्यमंत्री के हिस्से से उनका जो दायित्व था उन्होंने निर्वाह किया है और दूरदृष्टि क्या विचार को उन्होंने रखने का काम किया है, तो ये तो उनका उदार हृदय का परिचय है। दीनदयाल जी, क्या समूचा विपक्ष इस वजह से खार खाए हुए है बीजेपी के इस फैसले से, क्योंकि ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है? दीपक जी, ऐसा है कि नीतीश जी ने सिर्फ बधाई नहीं दी, बधाई के साथ उनका जो शब्द है वो कृपया जरा मैं भी मीडियम बेहतरीन कार्य करने एवं बेहतर एवं असाधारण व्यक्तित्व के धनी कहा है। आप दोनों शब्द में अंतर है, बधाई तो बिहार के राज्यपाल रहे उसके तहत उन्होंने दिया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने उनके व्यक्तित्व और उनके कार्य प्रणाली को सराहा है। ये दोनों शब्द जब मिल जाता है तो वही सोने पे सुहागा वाली बात आती है। और मैं आपको आपके माध्यम से टीवी के माध्यम से कहना चाहता हूं कि विपक्ष के सभी मित्रों से मैं निवेदन भी करना चाहता हूं कि चूंकि यह भारत के मान सम्मान का बात है, यह राष्ट्रपति चुनाव का बात है, आप सभी साथ आएं और एक नया उदाहरण पेश करें। और मुझे ऐसा विश्वास है कि 100% सभी लोगों का मत, विपक्ष हो पक्ष हो, एनडीए का तो सारा मिलेगा ही मिलेगा ही, तो मैं इस तरह से करके और हम लोग राष्ट्रपति का चुनाव जीतेंगे, सभी का मन जीत कर जीतेंगे जी। ये मेरा विश्वास है। ये जो बस कुछ मतों का फर्क पड़ रहा है, क्या इस वजह से लग रहा है कि विपक्ष अभी दबाव बनाने की कवायद कर रहा है? देखिए, विपक्ष का दबाव बनाना और नहीं बनाना ये अपनी अपने जगह पे मुद्दा है, लेकिन मैं हम इतना ही जानते हैं भारतीय जनता पार्टी जाती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, इसकी यही खूबसूरती है कि एक साधारण व्यक्ति के मालिक भी सर्वोच्च पद पर बैठ जाता है, जिनका नाम अभी तक पेपरों में भी नहीं आया लेकिन सर्वोच्च पद पे बैठ सकता है, यही भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है। और इस खूबसूरती को, भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती को सबको सराहना चाहिए कि एक साधारण व्यक्तित्व के मालिक भी सर्वोच्च पद पे बैठने जा रहा है, बिहार के राज्यपाल रहते हुए एक उंगली के एक नाखून बराबर भी कोई बात आज तक नहीं बिहार में निकली है। तो उनके जितने दिन भी उनका कार्यकाल रहा, यह उनके कार्य प्रणाली का खूबसूरती है। वही वजह है कि नीतीश कुमार के उन शब्दों को आप भी कोट कर रहे हैं जिसका उन्होंने रामनाथ कोविंद जी के लिए इस्तेमाल किया। बहरहाल, आलोक जी की एक प्रतिक्रिया जरूर चाहेंगे। आलोक जी, क्या चंद मतों का अंतर है और फिलहाल यूपीए खेमा प्रभावी दिख रहा है उन मतों के आंकड़ों को लेकर, इस वजह से ये तनातनी की स्थिति है, लेकिन जो कैंडिडेट है, जो उनका कद है और जो उनका बैकग्राउंड है, उसकी वजह से ऊहापोह की स्थिति बन चुकी है? न विरोध करते बन रहा है खुल के, न खुल के समर्थन करते बन रहा है? देखिए,
नहीं दीपक जी, मैं तो मेरा यहीं पर मतभेद है भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय जो वहां बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि हम चुनाव जीतेंगे, यही फर्क है आपकी मानसिकता में और हमारी मानसिकता में। हम राष्ट्रपति के चुनाव को जीत और हार के रूप में नहीं विवाद में लाना चाहते हैं, हम राष्ट्रपति के चुनाव को सर्वसम्मति के आधार पर लाना चाहते हैं। जो परंपरा रही है हमारी देश की, आप उसको चुनाव के रूप में देखना चाहते हैं और हम उसको सर्वसम्मति के रूप में देखना चाहते हैं। आलोक जी, परंपराएं तो टूटने के लिए भी होती हैं। परंपराएं टूटने के लिए तो ये उनके अंदर में जो है वो जो भावनाएं पैदा हो रही है ईगो का, वो जो चीज है वो गलत है इस देश के लिए। परंपराएं टूटे, परंपराएं स्वच्छ वातावरण के लिए टूटना चाहिए, परंपराएं गलतियों के लिए नहीं टूटनी चाहिए। अगर आपके अंदर में अहंकार की भावना आ रही है तो इस अहंकार को अभी भी वक्त है कि उसको वापस ले लीजिए और अपील करिए आपके माध्यम से, न्यूज इंडिया के माध्यम से, कि मैं पूरे विपक्ष से ये उम्मीद करता हूँ, ये अनुरोध करता हूँ कि आप सर्वसम्मति के आधार पर इसको चुने, इनको सामने लाए और देश जो है एक नया इतिहास बने। ये आपके तरफ से बयान आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए कि हम चुनाव जीतेंगे और कोई मुझे नहीं रोक सकता। जी मनोज जी, जेएमएम की क्या तैयारी चल रही है, किन किन लोगों से बातचीत होगी, बैठकें होगी? मनोज जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहे हैं। मनोज जी, क्या तैयारी चल रही है इस पर राय मशवरा को लेकर? देखिए, यूपीए घटक दल के जितने यूपीए फोल्डर के जितने दल हैं, उनकी एक बैठक मुझे लगता है 21 या 22 तारीख को दिल्ली में होने निश्चित है और वहाँ जो फैसला होगा सर्वसम्मति से फैसला होगा और राष्ट्रहित में वो फैसला लिया जाएगा, सभी को विश्वास में लेकर फैसला लिया जाएगा जो इस राष्ट्र के लिए और तमाम लोगों को समेट कर चलने की जो एक परंपरा रही है यूपीए की, उसका एक आपको दिखेगा। ऐसा नहीं दिखेगा कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जैसा एक संघ के कार्यकर्ता का नाम घोषित कर दिया, किसी को भी विश्वास में नहीं लिया। हम मैं पूछना चाहूंगा कि क्या कश्मीर की मुख्यमंत्री इनके साथ है? शिवसेना ने तो जीएसटी के मसले पर भी साथ नहीं है, फिर इस पर तो बाद में बात की जाएगी। बहरहाल, वक्त हमारे पास नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद दीनदयाल वर्णवाल जी, मनोज पांडे जी, आलोक दुबे जी और जलेश्वर महतो जी, न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सुजीत, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।